जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित सेना के कैंप में फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना में 5 सैन्यकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 3 अफसर भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को फेक सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले 7 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। गुरमीत चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर एक शख्स को CPR देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरमीत का मदद करने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जापान और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है। विस्तारवादी मानसिकता वाले चीन से टक्कर लेने के लिए जापान ने भी कमर कस ली है। वह अपने दोस्त अमेरिका से खतरनाक टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा खरीदने जा रहा है। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया। अब भारतीय टीम शनिवार को फाइनल मैच खेलने मैदान में उतरेगी।